गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हमारी प्रश्नावली 2 का अगला प्रश्न करेंगे जो कि किससे रिलेटेड है, भारतीय अंकों से। आज तक जो हमने गुणा पढ़े थे, भाग पढ़े थे, जोड़ और घटाव जो भी पढ़े थे, वो हमने जो नॉर्मल हमारी गिनती होती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4 इस तरह की जो होती है, हमने इसमें सीखे थे। लेकिन आज हम हिंदी में जो हमारी गिनती होती है, भारतीय अंक जो हमारे होते हैं, हम उनमें सवाल करेंगे। पहले वो गिनती सीखेंगे, फिर उसके बाद में हम उससे रिलेटेड सवाल करेंगे, ठीक है? तो देखिए कैसे हम करते हैं। देखो, भारतीय अंक पढ़ेंगे हम आज। भारतीय अंक हम कैसे गिनते हैं, आसान है ये काफी, ध्यान से देखिएगा, ठीक है? तो देखो, भारतीय अंक में हमारा सबसे पहले देखो क्या आता है, हमारा आता है 0। तो जो 0 जो हमारा है वो सबका क्या होता है, जैसे भारतीय अंक हो या फिर जो हमारे नॉर्मल हिंदू अरेबिक जो गिनती होती है उसमें भी 0 ऐसे ही लिखते हैं, और भारतीय अंक जो है हमारे उसमें भी हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है? तो 0 को तो हम ऐसे ही लिखेंगे। अब हम बात करते हैं 1 की। तो 1 को हम कैसे लिखेंगे, 1 को हम लिखते हैं जो हमारे नॉर्मल जो गिनती है उसमें हम ऐसे लिखते हैं, और हिंदू जो भारतीय अंक है हिंदी में जो लिखते हैं इसको हिंदी में भी बोलते हैं और भारतीय अंक भी बोलते हैं। तो इसको हम लिखते हैं इस तरह से, सॉरी इस तरह से लिखेंगे हम, ये है हमारा 1, ठीक है? तो 1 हम कैसे लिखेंगे, आप 1 और 9 में कंफ्यूज नहीं होना है। ये इस तरह से जो लिखा होता है ये हिंदी में लिखा हुआ 1 होता है, ठीक है बच्चों? अब हम बात करते हैं 2 की। 2 हम ऐसे लिखते हैं, पर लेकिन हिंदी में हम कैसे लिखेंगे, भारतीय अंक में हम लिखेंगे इस तरह से, इस तरह से थोड़ा सा ग की तरह घुमा करके लिखना होता है। तो ये है हमारा 2। अब हम बात करते हैं 3 की। 3 हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं और भारतीय अंक में हम 3 को इस तरह से लिखते हैं, ठीक है? ये है हमारा 3। अब हम बात करते हैं 4 की। तो हम 4 को इस तरह से लिखते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ हम कैसे लिखेंगे 4 को, ये इस तरह से। तो ये है हमारा 4। अब हम बात करते हैं कि थोड़ा सा घुमा के लिखना है आपको, ये इस तरह से, इस तरह से घुमा के लिखना, ठीक है? और जो 5 है उसे हम कैसे लिखते हैं बच्चों, ध्यान से लिखिएगा। 5 को हम लिखेंगे, देखो ऐसे करके और हल्का सा इसको यूं घुमा देंगे, ये है हमारा 5, जो हमारा कैसा दिखता है, 4 जैसा दिखता है, पर एक्चुअल में ये क्या होता है, 5 होता है, ठीक है? तो ये हिंदू वाले गिनती में हमें ऐसे ध्यान रखना है, थोड़े से जो वर्ड्स हैं इनके मतलब अंक है वो एक जैसे लगते हैं, जैसे कि 2 हमारा थोड़ा सिमिलर है, 3 भी सिमिलर है, लेकिन जैसे कि 4 है तो 4 हमारा कैसा है, 5 जैसा लग रहा है, ठीक है? ये वाला 4 तो 5 जैसा लग रहा है, सॉरी ये वाला 4, ये 5 जो है ये 4 जैसा लग रहा है, जबकि हिंदी में 4 कैसे लिखते हैं हम इस तरीके से। तो अब हम आते हैं 6 पर। 6 हम कैसे लिखेंगे, देखो ये 6 है, 6 को हम हिंदी में कैसे लिखेंगे, 6, तो इस तरह से आप इसे याद रखो। तो ये हो गया हमारा 6, ठीक है? आपको ये इस तरह से करना होता है, ठीक है बच्चों? अब हम आते हैं हमारे 7 पे। तो 7 हम कैसे लिखेंगे, देखो 7 हम लिखेंगे इस तरह से, इस तरह से हम लिखते हैं 7 को, ठीक है? अच्छे से नहीं बना बच्चों, देखो ध्यान से एक बार बार, ये इस तरह से बनेगा, इस तरह से बना दो, ठीक है? तो ये है हमारा 7। अब अगर हमें 8 लिखना है तो हम 8 को कैसे लिखते हैं, 8 को लिखते हैं हम इस तरह से, ठीक है? ये है हमारा 8। अब बारी आती है हमारे 9 की। तो 9 तो हम कैसे लिखते हैं, ऐसे डेली यूज में हम ऐसे लिखते हैं ना, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसे कैसे लिखना है, भारतीय अंकों में। तो भारतीय अंकों में हम कैसे लिखेंगे इसे, देखिए जैसे हमने 1 ऐसे लिखा था तो हम 9 को इस तरह से लिखेंगे, जस्ट इसका उल्टा, जैसे ये गोला इधर था तो हमें ये गोला इधर बनाना है और घुमा के बनाना है, ठीक है? तो ये है हमारे भारतीय अंक।
जैसे कि मैंने आपको बोला 25 मुझे लिखना है, तो 25 कैसे लिखते हैं हम नॉर्मली, तो 25 लिखते हैं इस तरह से। लेकिन मुझे अगर हिंदी में लिखना है, भारतीय अंकों में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? दो को कैसे लिखते हैं हम ऐसे, दो को हम इस तरह से लिखते हैं, और पांच को कैसे लिखते हैं इस तरह से, पांच को हम लिखते हैं इस तरह से। तो मैंने लिख दिया है ये कितना है, ये 24 नहीं है बच्चों, ये है 25, क्योंकि मैंने ये कैसे लिखा है भारतीय अंकों में। तो आपको इस तरह से सभी अंक लिखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ बोला 50 लिखो, 50 लिख गया मैंने, ये हो गया हमारा 50। ठीक है, मैंने बोला 16 लिखो, तो कैसे करेंगे, एक को हम कैसे लिखते हैं, एक को हम लिखते हैं ऐसे, और 16 को हम कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा मुड़ के 16, और 6 को कैसे लिखते हैं इस तरह से। तो ये हमारा हो गया 16। तो आपको इस तरह से ये नंबर्स ध्यान में रखने हैं, सीखने हैं, आप इसकी प्रैक्टिस घर पे अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, तो हम अब आगे क्वेश्चन करते हैं जोड़ और घटाओ, जो कि हम इस तरह से करेंगे, इस तरह के अंकों का प्रयोग करते हुए करेंगे। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा, मैं इसे रफ कर देती हूँ। चार और साइन का
पांच और छह कितना होता है बच्चों? ग्यारह। तो ग्यारह का एक हम यहाँ लिखेंगे और एक हमारा यहाँ जाएगा हासिल में। अब देखो ये है एक, ये है तीन और ये है हमारा आठ, ठीक है। तो एक और तीन हो गया हमारा चार, चार और आठ हमारा हो गया बारह। तो एक और तीन हो गया चार, चार और आठ हो गया बारह। तो बारह का दो हम यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ लिखेंगे। एक और दो तीन हो गया, तीन और चार हमारा कितना हो गया? सात। सात को कैसे लिखते हैं हम? सात को कैसे लिखेंगे हम? इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से आपको ये करना है। अब हम घटाओ शुरू करेंगे। देखिए तो घटाओ कैसे करते हैं हम? जैसे हमने जोड़ा है हमें घटाना भी बिल्कुल वैसे ही है। देखो हमारा जो पांचवा प्रश्न है वो है घटाओ वाला। आपको मैंने बाकी के जो बीच के दो तीन क्वेश्चन है वो छोड़ दिए हैं, वो आप अपने अपने से करेंगे और घर से करेंगे, इन्हीं के साथ भी करते हैं। तो ये है हमारा एक, ये है छह, ठीक है।